देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। काला पीपल के क्षेत्र ग्राम बहरावल में बाबा रामदेव जी महाराज की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। ग्राम के बुजुर्ग और मंदिर के पुजारी पंडित बाबूलाल दुबे ने बताया, यह जाना माना हुआ स्थान है और यहां पर प्रतिवर्ष बाबा रामदेव भक्त मंडल और सभी ग्रामवासी के सहयोग से आयोजन किए जाते हैं। सर्वप्रथम मंडल के लोगों द्वारा दूध दही पंचामृत आदि से बाबा का अभिषेक किया जाता है और कुमकुम चावल हल्दी फूल आदि से पूजा कर बाबा का आकर्षक श्रृंगार कर बाबा के ध्वज को नगर भ्रमण कराया। नगर के मुख्य मार्गों से चल समारोह निकाला गया। तलाई मोहल्ला संकट मोचन मंदिर बड़ी सेरी राजवाड़ा सुभाष चौक आदि जगहों पर ग्राम के सरपंच सुभाष लेवे पंडित योगेश दुबे सहित सभी ग्रामवासियों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इसी के साथ चल समारोह यथावत स्थान पहुंचा, जहां पर सामूहिक रूप से महाआरती कर प्रसादी वितरण किया गया। समय जगत के लिए खोकरा कला से दिलीप महेश्वरी की रिपोर्ट। आज यहां पे जो ये रामदेव जी बाबा का जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, आप ऐसा कितने वर्षों से मनाते आ रहे हैं और क्या इसकी परंपरा है? और हर वर्ष मनाया जाता है, तो इसमें आप किस प्रकार के आयोजन करते हैं? यहाँ सामूहिक रूप से, तो मतलब इसमें क्या जुलूस वगैरह निकालते हैं अपने? पूरा नगर भ्रमण कराया जाता है, दिया रहता है जुलूस। आप यहीं पे पूजा करते हैं? अच्छा, आप कितने वर्षों से यहाँ पे देख रहे हैं ये सब? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम है। कहाँ आप यहीं प्रॉपर बहरावल में रहते हैं? बहरावल में रहते हैं। तो आज ये यहाँ पर जो कार्यक्रम जो हो रहा है, जो उत्सव मना रहे हैं, ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये सर बाबा रामदेव जी का निशान निकाल रहे हैं और यहाँ पर भादु की दशमी के दिन यह उत्सव मनाते हैं और यहाँ पर सभी गाँव का सहयोग रहता है और बड़े धामधूम से मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर और सारे गांव के मिलके उत्सव मनाते हैं। अब आप ये जैसे यहाँ से जो प्रोसेशन चल रहा है, इसके बाद में अब इसका समापन कहाँ पे करेंगे? मंदिर पे करेंगे सर। अच्छा, वहाँ पे कोई प्रसादी वगैरह भंडारा? वहाँ पर प्रसाद वितरण होती है, 7:30 बजे आरती होती है, उसके बाद में हम सभी लोग समिति वाले प्रसाद वितरण करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।